अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक डिज़ाइन बनाया है। इसमें डिस्पर्स इफेक्ट दिया है। मैं आपको यही डिज़ाइन आज अपने कैनवा ट्यूटोरियल में सिखाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक ऐड न्यू पेज करती हूँ और इसी डिज़ाइन को रिप्लिकेट करने के लिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे और कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने एक बटरफ्लाई का इमेज लिया। रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट्स के अंदर आ जाइए, फोटोज में आ जाते हैं, और फोटोज में हमने इस बटरफ्लाई को लिया। बटरफ्लाई को लेने के बाद मैं इस बटरफ्लाई के विंग्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रोकन इफेक्ट में दिखाना चाह रहे हैं। सॉरी, ये फोटोज में है। स्प्लैटर इफेक्ट एलिमेंट्स में हम जाके देखेंगे तो रिसेंटली यूज में मेरे पास आ रहे हैं। आप स्प्लैटर लिखेंगे, एलिमेंट्स के अंदर जाके आप स्प्लैटर लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपके पास यही। ये क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा स्प्लैटर। अब यहाँ पर देखें कि कुछ ग्राफिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने इनमें से एक ये वाला लिया और ये वाला जरा सा ज्यादा डिस्पर्शन वाला दिया, और साथ में मैं एक और एलिमेंट ले लेती हूँ ताकि जरा सा हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स की एक साथ मिक्सचर बनता हुआ नजर आए। जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, अब इसको ले लेते हैं। अब इन तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर हम इसका यही स्प्लैटरिंग इफेक्ट देंगे। सबसे पहले मैं यही इस एलिमेंट को उसके पास रखा यहाँ पर, जहाँ पर मेरी बटरफ्लाई का इफेक्ट आ रहा है। और फिर अगेन मैं इस वाले एलिमेंट पे आती हूँ, उसको ज़्यादा छोटा कर लेते हैं हम। यहाँ पर रखेंगे इसको भी हम इसके साथ छोटा करके इसके पीछे रखना, इसके साथ साथ रखेंगे ताकि हमारे पास ये स्प्लैटरिंग इफेक्ट करा था, मतलब जैसे फट रहा है इस तरह से कलर इसके शो हो। हाँ, बिल्कुल डिस्पर्सिंग इफेक्ट आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने इधर ये एलिमेंट दिया है, यहाँ पर ये ब्लैक है, सारे का सारा ब्लैक है, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट देखें यहाँ से, ये तो ब्लैक है चले, लेकिन जब ये यहाँ पर एक और ब्लू भी है तो मैं यहाँ पर इसको लेकर आऊंगी और ब्लू के साथ ही इसको फटना, मतलब इसके कलर्स का डिस्कशन दिखना चाहिए। तो ये मल्टीपल कलर्स को लेकर किस तरह से आया। आप यहाँ पे कलर्स पे जाएंगे तो देखेंगे एक बटरफ्लाई के अंदर कितने कलर्स हैं, उन कलर्स को भी ये शो कर रहा है। तो मैंने जरा सा इसके ब्लैक और ब्लू को मर्ज किया ताकि इसके सारे कलर्स हमें टूटते हुए नजर आए, जैसे यहाँ पर। और फिर कुछ कलर्स इनके कुछ साइजेस को छोटा बड़ा करके आप जरा सा इफेक्ट को नेचुरल इफेक्ट देने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने इसको जरा सा क्रॉप कर दिया, इसको यहाँ पे ले आए। अच्छा, अब यहाँ पर भी जरा सा मैं इफेक्ट इस तरह से कर देती हूँ। ये इस के डिस्पर्सिंग इफेक्ट दे रहे हैं, और ये इस तरफ भी हमारा विंग है, जाहिर है इस तरफ हर जगह से एक स्प्लैटरिंग इफेक्ट आ रहा है। तो मैं इस एलिमेंट को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इस एलिमेंट को डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ ले आते हैं जरा सा इधर भी, और यहाँ एक और मरतबा बना लेती हूँ मैं यही इफेक्ट को, एक और मरतबा डुप्लीकेट कर लेती हूँ, और डुप्लीकेट करके इसको स्मॉल कर लेते हैं जरा सा, ताकि इसके कॉर्नर हैंडल से पकड़ के इसके इस तरफ को, ताकि और मैं यहाँ पे इसके ऑरेंज कलर के साथ इसको मर्ज करूंगी ताकि हमारा ऑरेंज का पोर्शन भी इसमें नजर आए। यहाँ पे कलर्स में गए, मेरे माउस के अंदर जरा क्लिक इफेक्ट्स में मसले आ रहे हैं इसलिए वे हैं ये यहाँ पे इस तरह से। ठीक, अब देखें हम यहाँ पे हमारे दो तीन कलर्स का, अब इधर भी जरा सा मैं चाह रही हूँ कि ऑरेंज का भी इफेक्ट आए और टूटता हुआ, क्योंकि ऑरेंज भी जा रहा है, सिर्फ एक कलर नहीं है। एक और मरतबा उसको डुप्लीकेट करूंगी और इधर ले जाके फिर जहाँ पर हमारा ऑरेंज है उधर रखेंगे इसको, जरा सा छोटा करेंगे ताकि ऑरेंज को टूटता हुआ नजर आए। इसका कलर ले जाके मैं कलर इसको चेंज कर देती हूँ, उसके कलर को डार्क ऑरेंज करेंगे वाले, और इसको इसके साथ मर्ज कर लेंगे ताकि ये हमारा जी। तो ये देखें दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा होपफुली किस तरह से हमारी ये बटरफ्लाई टूट रही है। आपकी मर्जी है, जरा सा आप और इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप और भी इसके साथ स्प्लैटरिंग कर सकते हैं। ये वाला अगर आपको बहुत डेंस लग रहा है तो उसको छोटा कर दीजिए, छोटा करके
इस इफेक्ट को डुप्लीकेट करके इसके साथ इधर डिस्पर्स कर दें, ताकि ये दूर पर जैसे स्प्लैश कोई चीज फटती है तो करीब ज्यादा कंडेंस होता है उसके फटने का इफेक्ट, और यही वाला इफेक्ट मैं यहाँ पर भी एक देखे ऊपर इसको मूव करूंगी। या तो इस तरह से हमारे जो है मल्टीपल एलिमेंट्स का इफेक्ट शो होता रहेगा, और हमारा यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। जरा सा आप चाहें तो उसको रोटेट कर लें ताकि ये एक ही एलिमेंट ऐसा ना लगे कि हमने एक ही एलिमेंट को यूज किया। ठीक है, अब ये देखें आप जरा सा किस तरह से इसका हमारे ऐसा लग रहा है कि बटरफ्लाई के पर टूट रहे हैं। तो ये था हमारा डिस्पर्सिंग इफेक्ट ट्यूटोरियल, होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।